हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन टेक अर्नमेनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डॉजकॉइन और पॉलीगन मैटिक के प्राइस एनालिसिस के बारे में देखने वाले हैं और कुछ अपडेट्स है, इंटरनेशनल अपडेट्स और कुछ नेशनल अपडेट्स है, क्रिप्टो बैन के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप डच कॉइन की मार्केट प्राइस के बारे में देखिए, तो डच कॉइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लगभग यहाँ पे डच कॉइन आपको लास्ट 24 आवर में 17.8%, लगभग 18% से भी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे शो किया है। और साथ ही अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी देखिए तो 130 बिलियन डच कॉइन हो चुका है और टोटल सप्लाई आप लोग जानते हैं इन्फेनाइट है। तो अभी यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या है, ये भी हम लोग बात करेंगे, आगे कहाँ तक जाएगा डॉजकॉइन और कब तक क्या इसका मार्केट प्राइस रहने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करने वाले हैं। और वहीं पे यहाँ पे पॉलीगन मैटिक देखिए, ये भी लगभग 4% यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 16 नंबर रैंक के साथ पॉलीगन मैटिक यहाँ पे चल रहा है। अभी देखिए कुछ अपडेट्स है, उसे सबसे पहले देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे आ रही है। क्रिप्टो आइसलैंड पैराडाइज जीरो टैक्सेस गोल्फ एंड वीज हाउसेस, यहाँ पे आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ये आपको पहले भी बताया गया था कि यहाँ पे एक जीरो टैक्स जो क्रिप्टो आइसलैंड, जैसे कि आपको यल्सलाडोर के प्रेसिडेंट के द्वारा भी अनाउंस किया गया था बिटकॉइन सिटी के बारे में, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये लगातार ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स आ रही है। जबकि मार्केट अभी देखिए तो इंडियन जो भी इंडियन सिनेरियो चल रहा है क्रिप्टो बैन को लेकर, क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर के, उसके कारण मार्केट पे अब मार्केट इन्फ्लुएंस्ड है और मार्केट पे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए तो कुछ और अपडेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीबीवीए स्विट्जरलैंड बिकम द फर्स्ट ट्रेडिशनल बैंक इन यूरोप टू एड इथेरियम टू इट्स क्रिप्टो ऑफरिंग। तो जो बीबीवीए स्विट्जरलैंड का एक बैंक है जिसने ये पहला बैंक यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक हुआ है जो यहाँ पे, ये स्पेशली स्विट्जरलैंड आपको पता होगा यूरोप में है और यूरोप कॉन्टिनेंट का ये पहला ऐसा बैंक है जो इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, इन सभी कॉइन्स को यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ऐड किया हुआ है अपने लिस्ट में। आगे इसमें पूरा डिटेल आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है होला इथेरियम बाई एक्सपेंडिंग इट्स इनिशियल क्रिप्टो ऑफर बीवीएस स्विट्जरलैंड बिकम द फर्स्ट ट्रेडिशनल बैंक। आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जो वहाँ के बीबीबीए के स्विट्जरलैंड के सीईओ हैं उनके द्वारा भी जो कहा गया आप लोग पढ़ सकते हैं। द स्पेनिश बैंकिंग जाइंट्स एंड स्विस फ्रेंचाइजेज लॉन्च इट्स क्रिप्टो ऑफर बैक इन जून, ये पहले जून में भी इसका अनाउंसमेंट किया गया था और फाइनली अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात रही डॉजकॉइन की, तो डॉजकॉइन आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में कितना ज़्यादा यहाँ पे पंप किया और डॉजकॉइन के पंप करने का कारण आप लोग देख सकते हैं, एलन मस्क से बिटकॉइन सुटेबल फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू डॉजकॉइन फॉर ट्रांजेक्शन एज अ टाइम नेम। आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर फिर से एलन मस्क को यहाँ पे टाइम नेम्स ऑफ पर्सन जो है वो यहाँ पे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और उसके बाद यहाँ पे डच कॉइन को लेकर के इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि डच कॉइन जो है टेस्ला एक्सेप्ट करेगी पेमेंट के तौर पे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा डच कॉइन को लेकर के बातें की गई, बिटकॉइन के लेकर के बातें की गई, इसके बाद इसका मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा पंप किया, डच कॉइन तो सीधे 18% पंप किया है और डच कॉइन का आगे अभी और पंप बाकी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्लोरिडा गवर्नर रोम डी सेंट्स परपोजेज क्रिएटिंग क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम फॉर स्टेट फीस, तो देख सकते हैं स्टेट फीस में यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसीज की जो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस है उसको यहाँ पे जनरेट करने की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए नाइक स्टेप्स फर्दर इनटू मेटावर्स बाय बाइंग एनएफटी स्नीकर स्टूडियो, नाइक जो है ये कंपनी फिर से यहाँ पे एनएफटी स्नीकर स्टूडियो है इसको खरीदी है और यहाँ पे देख सकते हैं क्यों, तो इसका यहाँ पे मेटावर्स के रूप में यूज करने वाली है। तो ये अच्छी खासी अपडेट्स यहाँ पे मार्केट में अभी आपको देखने मिल रही है। तो जैसे कि डॉजकॉइन आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, अब ये 0.21 डॉलर तक यहाँ पे डॉजकॉइन बहुत ही जल्द जाने वाला है। अभी देखिए इसका मार्केट प्राइस 19% हो गया, मतलब 19% से भी ज़्यादा इंक्रीज, तो फिर से यहाँ पे जो मार्केट का हाइएस्ट प्राइस रहा है 21.0123 डॉलर, इसको भी फिर से ये क्रॉस करने वाला है। तो अभी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 20-30% प्रॉफिट के लिए आप लोग जरूर इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अभी भी एक एंट्री आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे नए हैं तो बिल्कुल सावधानी से एंट्री लीजिए, क्योंकि जो इंडियन सिनेरियो है क्रिप्टो बैन को लेकर के, अभी इस पर फाइनल जो कंसिडरेशन है, फाइनल जो यहाँ पे कॉल होने वाला है, वो एक दो दिन में होने वाला है। तो इस पर क्या अपडेट आता है इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ पर बाई और सेल कीजिए, और साथ ही अभी आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो सेफ जो है अभी एंट्री लेकर के प्रॉफिट थोड़ा बहुत ही बुक होता है, 10% 15% 20%, तो आप लोग एग्जिट ले लीजिए, लालच ज़्यादा नहीं करना है। वहीं पे हम बात करें पॉलीगन मैटिक का, तो पॉलीगन मैटिक एक ऐसा कॉइन है जहाँ पे आप लोग आंख बंद करके अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉलीगन मैटिक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो बहुत ही हाई है, और इस मंथ के अंत तक हमने आपको बताया $3 तक भी जा सकता है, क्योंकि इथेरियम 2.0 को यहाँ पे इसका स्केलिंग प्रोडक्ट है। पॉलीगन मैटिक और इथेरियम 2.0 को लेकर के वित्यालिक ब्यूटेरियन लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो ये है पॉलीगन मैटिक के बारे में, और ख़ास करके मैं आपको बता दूँ कि अभी जो क्रिप्टो बैन को लेकर के बहुत सारी संशय माइंड में चल रही होगी, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक मीटिंग हुआ था, एक बैठक हुआ था जो क्रिप्टो मिलियनियर्स, क्रिप्टो बिलियनियर्स हैं इंडियन खास करके, उन सबों के द्वारा, और उनका मानना है कि क्रिप्टो यहाँ पर बैन की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, क्रिप्टो को यहाँ पे लीगल करना भी संभावना कम है, लेकिन क्रिप्टो को रेगुलेट करना एक संभावना है मात्र। और गाइस यहाँ पे आप लोग खुद के माइंड से सोच करके देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अगर आप एक ओल्ड यूज़र हैं तो आप 2018 का सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आपको याद होगा, या फिर वो अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पर सोच करके देखिए, अगर क्रिप्टो बैन होना रहता तो बिल लाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट बैन क्या, अभी जो एक लंबे समय से प्रोसेस चल रहा है क्रिप्टो को लेकर के, अगर जैसे कि टिकटॉक पबजी अगर बैन होता है तो डायरेक्ट उसको बैन कर दिया जाता है बिना किसी संशय के, कुछ दिनों में, बिना किसी बिल, बिना किसी प्रोविंस के, लेकिन अगर यहाँ पे रेगुलेट करना है तभी जा कर के बिल वगैरह सभी चीज़ों की बात चल रही है इंटरनली। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और बिल्कुल कुछ ऐसा भी नहीं होने वाला है जैसा कि आप लोग के लिए अनएक्सपेक्टेड हो, बस वही होगा जो होने वाला हो, और होने वाला क्या है तो वही रेगुलेशन, संभवतः ज़्यादा चांसेस है। तो आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।